डीएनए क्या है? देश पर मरने मिटने का डीएनए, सच्चाई के लिए लड़ना और आगे बढ़कर जनता की आवाज को मजबूत करना एक कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस जो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया और देश की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपना खून बहा दिया, इंदिरा जी इस देश पर बलिदान हो गई, राजीव जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार बेअंत सिंह हो गए, तो ऐसे में कोई कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लड़ना और आगे बढ़कर देश की जनता की आवाज को मजबूत करना आता है। इसलिए ये बात सोचना कि अब फैसला कोर्ट के, हम फैसले का सम्मान करते हैं, हमें कोर्ट से हमेशा बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है क्योंकि इस देश में न्याय है। और आप इस बात को जानते हैं कि बीजेपी तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उससे कांग्रेस नहीं डर रही है। कांग्रेस तो हमेशा क्या कहा, हमेशा राहुल गांधी ने एक बात की कि तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। जो तिरंगे को आन बान और शान मानते हैं, जो तिरंगे के लिए मरने और मिटने की ताकत रखते हैं, उस पार्टी के लिए ये सोचना कि वो पार्टी डर जाएगी, घबरा जाएगी। तो अब इस वक्त इस देश में भूख के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। केंद्र में जो घोटाडानी का घोटाला, वह पूरा देश जानता है कितना जबरदस्त घोटाला। इतने लोगों को जुटा करके क्या पार्टी के प्रति समर्पण का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सब? नहीं, एक बात सुन लो आप, ये जो लोग जुटते हैं इस कार्यालय पे, इतने लोग हमेशा जयपुर का कार्यकर्ता, क्यों जयपुर में है वो इकट्ठा होता आता। अभी मैं रफीक भाई साहब दिल्ली से आए तो जिन लोगों को पता चला कि वो कार्यालय आ रहे हैं तो आ गए। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत, सर्टिफिकेट एक है देश और धर्म का, सर्टिफिकेट एक है तिरंगे की आन बान और शान का, सर्टिफिकेट एक है देश में सब धर्मों के भाईचारे का, और सर्टिफिकेट एक है देश की जनता पर जो जुल्म हो रहा है उसका जवाब देने का, वो सर्टिफिकेट कांग्रेस के पास है। उसके लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको लगता है राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी कल की मीटिंग के बाद से? नहीं ऊर्जा, क्या बात करते हो आप, हमारे तो पहले भी ऊर्जा थी, कल ऊर्जा और बढ़ गई। जब राहुल गांधी और खड़गे साहब मीटिंग ले रहे हो, वेणुगोपाल जी बैठे हो, रंधावा जी बैठे हो, और पूरी पार्टी एक मंच पर हो, एक ही समर्पण हो, एनी हाउ हमारा काम अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की योजनाएं अच्छी है। कल मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, तमाम नेता उपस्थित थे, और हमारे काम की तारीफ राहुल गांधी जी ने की, तो ये तो आप मानोगे कि गहलोत सरकार का काम बोलता है, सच्चाई बोलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के साथ राम और काम दोनों है। जहां राम और काम होगा वहां कौन हमें चुनौती दे सकता है? जीत हमारी है। इसीलिए बीजेपी के, आप सुन लो, बीजेपी अपने मुद्दों की बात नहीं करती, बीजेपी अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करती, बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताए, जवाब दे। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए क्या किया बीजेपी ने? क्या किया रोजगार के लिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस की बात करती है। कांग्रेस की उपलब्धियों के लिए मैं बीजेपी के तमाम प्रदेश के नेताओं को चुनौती देता हूं, जहां चाहे उनके ऑफिस में आके मैं बहस करने को तैयार हूं, और यदि बहस में हमारा काम अच्छा नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आओ तो सही, तो काम पर बहस करो। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी पार्टी? इतना चेहरा तो है इतना सारा, आप ये बताओ, सारे चेहरे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, मेरा चेहरा बुरा लग रहा है? ये चेहरा स्मार्ट नहीं, 6 फुट 2 इंच हाइट है, ये 6 फुट 2 इंच हाइट है। आप चेहरा एक है सबसे अगवा, और वो राहुल गांधी का चेहरा है, खड़गे साहब का चेहरा है। इसलिए ये हमारे चेहरे तो पीछे कार्यकर्ता बनकर चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी है ही, तो ये ऐसे में आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि मुख्यमंत्री जी कोई अलग है। अगुवाई तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ सिस्टम है, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो होता है, जो उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। तो चुनाव तो राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में होंगे, लेकिन राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी है, विधायक दल के नेता भी है, तो कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं है। प्रताप जी, मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, आज भी एक पर्दा और उठने वाला है। यार बताओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घोषणा कर रही है तो बार मां के पग में लागेड़े में बैठे तो दिमाग ज्यादा चल रही है। तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिमाग ज्यादा चलता है तो ये मान लेना उसमें जनता का ज्यादा फायदा होता है। तो दिमाग उनका जनता के लिए चलता है, सुन लीजिए, आदमी खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराई को नहीं। तीसरी बार का सीएम है, दिमाग दौड़ता है, और अब की बार उनका दिमाग दौड़ रहा है बीजेपी का सफाया करने में, वो कर देंगे, चिंता मत।